क्या यह सवाल करना बेबुनियाद होगा कि रवीश कुमार और उनके बाकी गैंग मेंबर्स इन भारत विरोधी कामों में जेल काट रहे उमर खालिद, सर्जिल इमाम जैसे आतंकियों के बॉर्डर के उस पार में बैठे आकाओं के ऑर्डर में ही लिबरल लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट के चेहरे के आर में राष्ट्रीयतावादी सरकारों लोगों के अगेंस्ट लगा हुआ है।